हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं ब्लाउज की कटिंग, प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग का वीडियो। तो ये हमने सबसे पहले लिए है इसकी लाइनिंग, तो इसको हम एक बार फोल्ड करेंगे। ऐसे लंबाई में रखा है, फिर हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे एक बार। ये इधर से हमने फोल्ड कर लिया है इसको, और फिर इसको हम लंबाई में इधर से भी एक बार फोल्ड करेंगे, और इधर से कपड़ा बंद है दोनों। जब बंद साइज से हम कटिंग करेंगे इसकी। तो हमारी लंबाई है 13 इंच, तो हमने ये ली है 14 इंच। 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है हमने, और ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकलने के लिए हमने एक लाइन खींच ले। अब यहाँ से हम शोल्डर का नाप लेंगे, 5.5 इंच लिया है। ये 5.5 इंच लिए, और यहाँ से हम आर्म होल के लिए लेंगे 6.5 इंच। अब यहाँ से हम चेस्ट का नाप लेंगे, तो चेस्ट का हम 1/4 लिया है। चेस्ट है 36, तो 1/4 हो गया 9 इंच। अब यहाँ पर हम अपनी वेस्ट का निशान लगाएंगे, तो वेस्ट हमारी 28 का 1/4 7 इंच, और हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ प्लीट पड़ेगी इसलिए, तो यहाँ पे हम 8.5 का निशान लगाएंगे और इनको मिला देंगे दोनों लाइनों को। और ये 2-2 इंच का हमने यहाँ पर मार्जिन लिया है, इसको भी मिला देंगे लाइन को। अब इस लाइन के मिड में हमें निशान लगाना है, 1/2 इंच अंदर की तरफ लेंगे, और यहाँ से 1 इंच का लगाएंगे, और इसको इस तरह से गोलाई में शेप में मिला देंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट के आर्म होल हो जाएंगे, और ये बाहर से एक बार शेप बनाएंगे 1/2 इंच बाहर से, तो ये हमारे बैक पार्ट के आर्म होल की कटिंग हो जाएगी यहाँ से। अब यहाँ से हम गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे, ये हमने 2.5 इंच लिया है, और नीचे हम 6.5 इंच का निशान लगा लिया है, ये 6.5 इंच, और इसको इस तरह गोलाई से मिला लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने ये कटिंग कर ली, पहले फ्रंट बैक ये इसकी गले की कटिंग कर ली फ्रंट पार्ट की, और ये आर्म होल हमने पहले बैक पार्ट की कटिंग की है, तो बैक पार्ट हम हटा देंगे और ये अंदर से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग हो गई। अब इसमें हम वेस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे, तो ये 10 इंच लिया है, और यहाँ से ये 3.5 इंच पे होना चाहिए। अब यहाँ से हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे, और एक निशान हम नीचे 3.5 इंच पे लगाएंगे प्लीट के लिए। अब इस पॉइंट को हम यहाँ आर्म होल से मिलाएंगे, और नीचे वाले 3.5 इंच का जो पॉइंट लगाया था वहाँ पर मिलाकर इसमें शेप बना देंगे, और इसको भी इसी में मिक्स कर देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम बैक पार्ट में गले की कटिंग करेंगे। 2.5 इंच लिया है चौड़ाई, और इसकी गहराई है हमारी 10 इंच, तो ये भी हमने 2.5 इंच पे खींच के इनको मिला दिया इस दोनों को, और इस तरह शेप बना देंगे गोलाई से, और इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम पीछे की डार्ट्स के लिए निशान लगाएंगे, तो ये हमने 3.5 इंच लिया है ऊपर, यहाँ पर ये हमने 5 इंच के लिए डार्ट्स,
और नीचे ये 1.5 इंच की डार्ट है, तो हम दोनों तरफ 1.5 इंच का नाप बराबर लगा देंगे 1.5 इंच में ही, और दोनों पॉइंटों को मिला देंगे। ये हमारे बैक पार्ट में डार्ट्स पड़ेंगे और बैक पार्ट में हम हुक लगाएंगे, तो इसको हम यहाँ से अलग कर लेंगे। ये फोल्ड था कपड़ा, अगर आप चैन लगाएंगे तो इसको नहीं करेंगे अलग। अब ये कपड़ा जो बचा है इससे हम स्लीव बनाएंगे। तो सबसे पहले ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकल जाए इसलिए हमने एक लाइन खींच ली। यहाँ से कपड़ा फोल्ड है, जिधर फोल्ड है उधर साइड से हम स्लीव की लंबाई लेंगे, तो हमने 5 इंच थी तो 6 इंच लिए, और यहाँ से 7 इंच, और ये यहाँ नीचे हम लेंगे 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस पॉइंट को यहाँ मिला देंगे, और यहाँ पर स्लीव की गोलाई का हाफ लेकर उसका मिला देंगे लाइन से इनको। अब इसमें मिड में हम 1/2 इंच बाहर निशान लगाएंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे, और नीचे ये 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए, सिलाई करेंगे उसके लिए, इसकी कटिंग कर देंगे हम। अब इसमें ये हम फ्रंट के लिए गहराई थोड़ी अंदर से कटिंग करेंगे, 1/2 इंच अंदर से लिया है थोड़ा सा। ये स्लीव कटिंग जो गहरी है वो हमारी फ्रंट की तरफ रहेगी। अब हमने ये ब्लाउज का कपड़ा लिया है, इस पर हमने पहले बैक पार्ट रखा है, इसमें हमें ऑरेंज बॉर्डर चाहिए केवल, तो हमने वहाँ से ही रख के इसकी कटिंग कर ली, डबल करके हमने इसको कटिंग किया है। इसी तरह हम इसके सारे पार्ट्स रख के इसकी कटिंग कर लेंगे। सभी को हमने ड्रॉ करके और फिर कटिंग कर लिए, और ये स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव में नीचे थोड़ा कपड़ा कम पड़ेगा तो हम इसको जॉइंट कर देंगे बाद में। तो अब हमने ये बैक पार्ट लिए, अब हम इनको जॉइंट करेंगे इसकी लाइनिंग इसमें। तो सबसे पहले इसको दोनों को मिला के एक सिलाई लगाएंगे, फिर इसको पलट कर ऊपर से सिलाई लगा देंगे इस पर। यहाँ से ऊपर से एक सिलाई लग जाएगी और चारों तरफ से सिल देंगे, तो ये अटैच हो जाएगा इसमें। इसी तरह सबको कर लेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट है, इसको हम इसको भी इसी तरह रखेंगे। नीचे पहले एक सिलाई लगाएंगे, फिर इसको पलट कर फिर इसके ऊपर से एक किनारी से सिलाई लगा के चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमने सारे पार्ट्स में लाइनिंग जोड़ ली है सभी में। स्लीव में ये कपड़ा कम पड़ा था वो भी हमने जोड़ लिया है इसमें। अब हमने ये फ्रंट पार्ट लिया है, इसकी ये साइड के पार्ट हैं जो इसको जोड़ेंगे इसमें। तो इस तरह से यहाँ से रखेंगे इसको मिलाकर और सिलाई लगा देंगे। ये एक हमने जोड़ लिया, इसी तरह हमें इसको भी जोड़ लेना है इसमें। ये जुड़ने के बाद अब हमें ये बैक पार्ट लिया है, इसकी ये प्लेट डालेंगे पीछे की पहले। ये हमने दोनों पार्ट्स में प्लेट डाल ली है पीछे की डार्ट्स। अब हमने ये फ्रंट पार्ट लिया है,
इसके ऊपर इसको रखेंगे इस तरह से और शोल्डर पर इसकी सिलाई लगा देंगे, दोनों को ज्वाइंट कर लेंगे। ये ज्वाइंट करने के बाद फिर हम इसको इस तरह रखेंगे और इस पर हमें स्लीव लगानी है, तो स्लीव को इस तरह फोल्ड करेंगे पहले, फिर इसके बीच में यहाँ पर एक कट का निशान लगाएंगे इस तरह पॉइंट, इसी पॉइंट से हम इसको रखेंगे इस पर। जो कटिंग गहरी की थी स्लीव की उसको हम आगे की तरफ करेंगे फ्रंट में और सिलाई लगा देंगे, इसको जोड़ लेंगे स्लीव को दोनों तरफ। इस तरह से हमने दोनों स्लीव जोड़ ली। अब इसमें हमें बैक में आई हुक की पट्टी लगानी है। तो ये कपड़ा लिया है, इसमें हमने ये अस्तर का कपड़ा इसमें जॉइंट कर लेंगे कपड़े में पहले, इसको एक सिलाई यहाँ लगाकर और पलट कर चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। ये आई के लिए पट्टी बनाएंगे इससे, इसको पहले हम सिल लेते हैं। अब इसको ब्लाउज में इस तरह जोड़ लेंगे। इस तरह सिलने के बाद इस पट्टी को हमें बैक साइड में इस तरह फोल्ड करना है बाहर निकालते हुए, और इस पर एक सिलाई लगानी है और एक सिलाई एक्स्ट्रा हम और लगाएंगे साइड में। तो इस तरह हमारी ये आई की पट्टी तैयार हो गई। अब इस पर हुक की पट्टी लगाएंगे। तो इसको कपड़े को पहले हमने यहाँ नीचे साइड से फोल्ड कर लिया है और इस पर सिलाई लगाकर इसको बैक में पलट देंगे और इसको इस तरह फोल्ड कर कर सिलाई लगा देंगे। ये हो गई हमारी दोनों पट्टियाँ तैयार, ये इसके ऊपर आ जाएगी इस तरह। अब हमें इसमें पाइपिंग लगानी है, तो पाइपिंग लिए हमने ये और इसको यहाँ रखेंगे किनारे से और यहाँ किनारे से सिलाई लगाएंगे इसकी साइड से यहाँ पर, और इसको फिर बैक में पलट कर इस तरह से पलटेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे ऊपर। अब ये पाइपिंग लग गई हमारी, इसको इस तरह पलटने के बाद ऐसे पलटेंगे। आप सिलाई लगाना चाह रहे तो एक सिलाई लगाएंगे, नहीं तो इस पर हम तुरपाई भी कर लेंगे। इस तरह आ जाएगी फिर ये पाइप, मैं इस पर तुरपाई करूँगी बाद में। स्लीव में भी हम पाइपिंग लगा लेते हैं, स्लीव को आप लगाने से पहले ही पाइपिंग लगा लें। ये लगा ली पाइपिंग इस पर, बस अब हम इसमें साइड की फिटिंग का निशान वो सिलाई लगा देंगे दोनों तरफ। फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे और एक एक्स्ट्रा लगा लेंगे मार्जिन के लिए, और ये इस पर हम तुरपाई करके हमारा ब्लाउज रेडी हो जाएगा। तो ये हमारा ब्लाउज तैयार हो गया। प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।